हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक डिटेल में कॉन्सेप्ट्स का डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो केयरफुली मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। इसमें से क्वेश्चन नंबर 61 है कि हमारा स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिसिबल ऑन अ 2.5 डिग्री कर्व फॉर ब्रॉड गेज लाइन हैविंग अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1:200 इज। तो जो रूलिंग ग्रेडियंट हमारा होता है, ये हमारा एक मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है जो कि हम अपने रेलवे ट्रैक पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि जो हमारा मैक्सिमम लोड कितना कैरी कर सकती है कोई भी ट्रेन, ठीक है। बट अगर ये हमारा ग्रेडियंट एक किसी कर्व के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो कर्व, उसको अलाउबल लिमिट्स में रखने के लिए, जो भी रेजिस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं तो उनको लिमिट में रखने के लिए वी गेट इट डन एज प्रोवाइड एज ग्रेड कंपनसेशन। हम ग्रेड को, जो हमने हमारा ग्रेडियंट है रूलिंग ग्रेडियंट, उसको कंपनसेट करते हैं। और जो हमारे रेलवे स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारा ये रिकमेंड करते हैं कि ब्रॉड गेज ट्रैक में डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कर हमें इतना ग्रेड कंपनसेट करना है, 0.04% फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। अब यहां पर ब्रॉड गेज ट्रैक दिया हुआ है, सो जो भी हमारी ट्रेन की कैपेसिटी है कर्व के प्रेजेंट होने की वजह से, उसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाएगी। सो हमें केयरफुली अपना जो ग्रेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हमें ग्रेड कंपनसेट करके प्रोवाइड करना है। तो हमारा जो यहां पर कर्व का डिग्री दिया 2.5 डी है, तो हमारा जो ग्रेड कंपनसेशन होगा, मतलब जितना हमें ग्रेड को कंपनसेट करना है, मतलब अपने एक्चुअल ग्रेडियंट से रिड्यूस करना है, तो जो ग्रेड कंपनसेशन होगा 0.04% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2.5 डिग्री हमारा कर्व है, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगी 0.001। इसको 1/1000 का ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 1/200, जो कि हमारा 0.005 लिख सकते हैं। तो जो हमारा कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो हो जाएगा रूलिंग ग्रेडियंट माइनस जो हमें ग्रेड कंपनसेशन देना है, तो 0.005 माइनस 0.001। तो ये वैल्यू जब आप सब्स्ट्रैक्ट करके निकालोगे तो यू विल गेट 1/250 एज द ग्रेडियंट। ये हमारा फाइनल ग्रेडियंट होगा जो कि हमें अपने रेलवे ट्रैक में प्रोवाइड करना होगा आफ्टर कंपनसेटिंग द ग्रेडियंट, ताकि जो हमारा मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है ट्रेन की वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली द मैक्सिमम कैंट परमिसिबल इन द मीटर गेज। तो मैक्सिमम कैंट जो होता है हमारा, वो हमारा वो वैल्यू होती है जो कि हम आउटर एज ऑफ द रेल को रेज कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर, सो दैट जो सेंट्रीप्यूटल फोर्स डेवलप हो वो हमारी कर्व्स की एक्सेस सेंट्रीप्यूटल फोर्स को बैलेंस कर लें, और जो हमारा रिएक्शन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जोन पे। तो जो हमारा मैक्सिमम कैंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है इंडियन रेलवेज में, वो हमारी लगाई गई है Z/10, मतलब गेज ऑफ द वैल्यू से Z/12 तक, ये हम मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं Z/10। पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि Z/10 हम तब प्रोवाइड करेंगे जब हमारे पास रेलवे के अथॉरिटी का स्पेसिफिक अप्रूवल होगा, तभी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप Z/10 कैलकुलेट करोगे फॉर डिफरेंट गेजेस ऑफ ट्रैक जो हमारे पास होते हैं, ब्रॉड गेज का हमारा 1.67 गेज होता है, उसके हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है सेंटीमीटर में 16.5 है, मीटर गेज में 10 है, और नैरो गेज में 760 mm होता है, सो 7.6 सेंटीमीटर है सुपर एलिवेशन, बिकॉज गेज हमारा 760 mm होता है नैरो गेज का। बट ये वो वैल्यूज हैं जब हमारी स्पीड, हमारा पोटेंशियल जो है 100 kmps तक हो और हमारे पास स्पेसिफिक अप्रूवल हो। तो ऑर्डिनरी कंडीशंस पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं मैक्सिमम कैंट की, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ब्रॉड गेज के लिए जो वैल्यू होती है वो हमारी 14 सेंटीमीटर होती है, जो हम ऑर्डिनरी कंडीशंस में प्रोवाइड करते हैं। इन जनरल हमें अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है किसी भी अथॉरिटी का रेलवे की। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो 90 mm होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंट डिफिशियंसी अकर्स व्हेन अ व्हीकल ट्रेवल्स अराउंड अ कर्व। तो जैसा कि पुराने वीडियोस में मैंने बताया था कि जब हमारी कोई भी कर्व को ट्रैवर्स कर रही है कोई भी ट्रेन, तो जो हमारा आउटर एज हमें सुपर एक्चुअल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराना है, वो हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड प्रोवाइड करते हैं, जो कि वेटेड एवरेज ऑफ ऑल ट्रेन्स होता है, जो भी हाई स्पीड या लो ट्रेन्स चल रही हैं उसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम स्पीड कैलकुलेट करके एक्चुअल अपना कैंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट जब उस ट्रैक पे हमारा, जब हाई स्पीड ट्रेन चलेगी ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम स्पीड, तो हमारा जो कैंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, वो हमारी ये वैल्यू होगी हायर देन दिस वैल्यू। तो उस समय जो ट्रेन
ट्रैवल कर रही होगी वो एक सर्टेन वैल्यू कैंट की डेफिशिएंसी से ट्रैवल कर रही होगी, तो ये डी वैल्यू होगी वो हमारी कैंट डेफिशिएंसी होगी, तो वो तब होगी जब हमारी स्पीड हायर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड होगी। तो फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक जो हमारी कैंट डेफिशिएंसी है वो हम 75 to 76 mm लेते हैं अपने ब्रॉड गेज ट्रैक पे, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनसेशन फॉर कर्वेचर ऑन ग्रेडियंट फॉर मीटर गेज। तो ये मैंने अभी बताया था कि जो कंपनसेशन है हम तब देते हैं जब हम ग्रेडियंट के साथ हमारा कर्व इंट्रोड्यूस करना है हमें ट्रैक पे, तो अलाउबल लिमिट्स में रखने के लिए अपने हमारे ग्रेडियंट को, कि हमारा जो कैपेसिटी है ट्रेन की वो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो कम ना हो, तो हम ग्रेड को कंपनसेट करते हैं। तो जो हमारी मीटर गेज की वैल्यू है वो 0.03% होगा, अगर आप इसको लिखोगे 0.03% फॉर 1 degree ऑफ कर्व। अब हमें 1 degree ऑफ कर्व हम जो लेते हैं मेट्रिक यूनिट्स में वो हमारा होता है 175/R 1 degree, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे is equal to you will get 52.5/R depending upon the radius of curvature of that curve जहां पर हमें grade compensation provide करना है। और ये value अभी कैसे आई ये मैं अभी नीचे detail में बता दूंगा आपको, तो correct option जो होगा वो B होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हमारा यूज करते हैं इंडियन रेलवेज में। तो हमारे पास ये तीन ट्रांजिशन कर्व्स अवेलेबल हैं 1, 2 and 3। इसमें लेमनिस्केट बर्नौली हमारा हाईवेज में जो व्हीकल ट्रैवर्स करता है ऑटो जिनस कर्व होता है, ठीक है, तो ये कर्व और हमारा एक क्यूबिक स्पैरल, ये दोनों कर्व हमारे आइडियल ट्रांजिशन कर्व की कैटेगरी में आते हैं। बट जो क्यूबिक पैराबोला है तो ट्रांजिशन कर्व तो होता है बट ये आइडियल नहीं माना जाता है, बट हम इसको प्रेफर करते हैं रेलवेज में बिकॉज इसका जो लेआउट होता है वो बहुत सिंपल होता है और ऑफसेट मेथड से हम इसको आसानी से ले कर सकते हैं फील्ड में, तो हमारा दोनों पर्पस सर्व हो जाता है। तो जिसकी इक्वेशन होती है क्यूबिक पैराबोला की y = 6LR होती है, जिसमें लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होता है और जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व होता है वो होता है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट दिखाया हुआ है ग्राफिकली कि ये हमारा क्यूबिक पैराबोला है जो हम फील्ड में लेकर के हमें ये शेप मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो तीनों कर्व हैं हमारे डिफ्लेक्शन एंगल अप टू 4 degree तक बिल्कुल सेम पाथ फॉलो करते हैं, इनिशियली ये सेम पाथ फॉलो करते हैं, उसके बाद अप टू 9 degree तक इनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है दोनों के पाथ में, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, क्यूबिक पैराबोला जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं इंडियन रेलवेज में। उसके बाद हमारा है कि आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व दिया हुआ है और वर्साइन ऑन अ कॉर्ड ऑफ लेंथ। तो अगर मैं कोई सर्कुलर कर्व की एक आर्क दूं और उसकी एक कॉर्ड है, तो जो हमारा ये ऑफसेट वैल्यू है एट द सेंटर ऑफ दिस कॉर्ड ये हमारा कहलाता है वर्साइन ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो अब इसका डेरिवेशन के लिए हम सिंपली सर्कुलर कर्व की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इस सर्कुलर कर्व को अगर हम कंप्लीट कर दें तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों के परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे बी पॉइंट है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ये हमारा इक्वल होगा ज्योमेट्री ऑफ सर्कल के हिसाब से। तो हम इन वैल्यूज अगर हम ये मान लें कि ये वर्साइन हमारा वी है और हमारा सेंटर से जो रेडियस है वो आर है, तो ये टोटल लेंथ जो होगी हमारी 2R हो जाएगी। तो जो बाई ज्योमेट्रिकली हमारे पास ये इक्वेशन होगी, हम इसमें वी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज वर्साइन की वैल्यू बहुत कम होगी, सो नेग्लेक्ट करके जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इक्वल टू c² / c² / 8R मिलेगी। अगर हम ये हमारी वैल्यूज सारी मीटर्स में है बट अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 12.5 c² / r सेंटीमीटर्स में आएगी अगर हम c और r दोनों मीटर्स में रखें वर्साइन की वैल्यू। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा c² / 8R होगा, ऑप्शन c इज करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रॉड गेज ट्रैक है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ये हमारा मेन लाइन का ट्रैक है ब्रॉड गेज और यहाँ से कॉन्ट्री फ्लेक्चर, कॉन्ट्री फ्लेक्चर का मतलब डायरेक्शन जो है हमारे दोनों के अपोजिट है, ये हमारे दोनों ट्रैक दूर जा रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारा कॉन्ट्री फ्लेक्चर कहलाता है। तो और यहाँ पर बोल रहा है कि होता क्या है हमारा जब कॉन्ट्री फ्लेक्चर में ट्रैक जाता है तो हमारा सुपर एलिवेशन, अब मान लें कि ये कर्व इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो इस केस में हमारी रिक्वायरमेंट होगी हमें ए पॉइंट को बी से ऊपर रखना होगा, और जब हमारा ट्रैक जो इस साइड जा रहा है इसमें हमें टेक्निकली हमारा बी हायर होना चाहिए ए से, बट साइमल्टेनियसली ये पॉइंट ये कंडीशन हम इस लोकेशन पे मेट आउट नहीं कर सकते बिकॉज हम स्लीपर का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में रख सकते हैं, या ये ओरिएंटेशन होगा या ये ओरिएंटेशन होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इस चीज को मीट आउट करने के लिए हम करते क्या है, इस रेल को ऊंचा करने के बजाय जो हमारा ब्रांच लाइन है यानी इस डायरेक्शन में जो हमारा ट्रैक जा रहा है उसमें हम इस रेल को नीचे कर देते हैं एज कंपेयर टू इनर रेल। तो
इस जो जितना अमाउंट हम नीचे करते हैं इस अमाउंट को हम निगेटिव सुपर एलिवेशन बोलते हैं, जो कि हमें मेन लाइन में भी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो हमारा ये पर्पस मीट हो जाएगा, जो हमारा स्लीपर होगा वो कुछ इस तरह ओरिएंटेड होगा, तो हमारा ये सुपर एलिवेशन मिल जाएगा। यहां पर हम देखेंगे तो हमारी ये रेल इसके रिस्पेक्ट में नीचे होगी और इसी को निगेटिव सुपर एलिवेशन बोलते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में हमारी मेन लाइन में सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस होता है और हमें इसके अकॉर्डिंग निगेटिव सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग हमें स्पीड पर रिस्ट्रिक्शंस देने होते हैं। तो इसकी मेथोडोलॉजी ये होती है कि जो ब्रांच लाइन की हमारी स्पीड है उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग हमारा सुपर एलिवेशन आता है, जो कि यहां पर हमारा 10 mm दिया हुआ है, और हमारी जो कैंट डिफिशियंसी दी हुई है इस ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए हमारी, जो कि इन जनरल 75 टू 76 mm होती है, यहां पे 75 दी हुई है। तो जो हम निगेटिव सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा एक्चुअल में, वो ई बी माइनस सी डी कर देंगे, तो यू विल गेट 10 माइनस 75 एज माइनस 65। इट मीन्स हमारा माइनस का मतलब ये है कि इसमें हम आउटर रेल को, जो हमारा ब्रांच लाइन है उसकी आउटर रेल को 65 mm इनर रेल से नीचे रखेंगे, और यही सुपर एलिवेशन हमारा कांस्टेंट होगा मेन लाइन ट्रैक के लिए। और अगर इसके बेसिस पे हमें मेन लाइन की स्पीड रिस्ट्रिक्ट करनी होती तो हम इसमें क्या करते, 65 mm जो हमारा निगेटिव सुपर एलिवेशन है इस पे अब हमारी मेन लाइन ट्रैक में हायर स्पीड से गाड़ी निकल सकती है विथ 75 mm कैंट डिफिशियंसी। तो ये सुपर एलिवेशन के करस्पॉन्डिंग हम अपना स्पीड निकालते और ये स्पीड हमारी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड होती मेन लाइन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 65 mm होगा, जो कि हम इस ब्रांच लाइन के लिए एज वेल एज अपने मेन लाइन ट्रैक और ब्रांच लाइन ट्रैक के लिए होगा। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में बात किया था कि जो डिग्री ऑफ कर्व होता है ये हमारा आर्क डेफिनेशन और कर्व डेफिनेशन दोनों से लिख सकते हैं। तो यहां पे मैंने कॉर्ड डेफिनेशन यानी 30 मीटर की हमने कॉर्ड ली है जिसमें थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ कर्व का फंडा लगाया, तो हमारा आर जो आया 15 बाई साइन डी बाई टू आया एग्जैक्ट वैल्यू। बट हमने क्या किया, डी को स्मॉल मानते हुए यहां पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी बाई टू इन रेडियंस में कर लिया और आर इज इक्वल टू को हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये अराउंड 172 बाई डी आई, बट ये ध्यान रखना ये एक अप्रोक्सीमेशन है और ये हमारा तब तक मतलब मीट आउट करता है रिजल्ट को जब तक हमारा डी इज लेस देन आर इक्वल टू 5 डिग्री कर्व के बराबर होता है। तो बट यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन इसलिए नहीं है बिकॉज जो हमारे ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स थे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में हमारे जब हम एफ पी एस सिस्टम यूज करते थे तो वहां पर हम 100 फीट आर्क लेंथ या 100 फीट कॉर्ड लेंथ में हमारा जो एंगल सब्सटेंट होता था उसे हम डिग्री से निकालते थे। तो जब 100 फीट को आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट 30.48 मीटर कॉर्ड लेंथ या आर्क लेंथ। तो जब इसको आप सब्सटीट्यूट करोगे इस पे तो आपको जो आर की वैल्यू मिलेगी वो 1746.5 बाई डी मिलेगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 175 बाई डी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मेट्रिक यूनिट्स में है तो आप दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन अवेलेबल। बट रेलवेज में जब आप कैलकुलेशन यूज करोगे तो 1720 के बेसिस पे ही करोगे बिकॉज ये 5 डिग्री तक ये हमारा करेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और ये तो हमारी इट इज ड्राइव फ्रॉम द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को हमने मेट्रिक यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो हमें ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए सी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन दिया हुआ है कि तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हमारा इज बेस्ड अपॉन दी हमारा इक्विलिब्रियम स्पीड के बेसिस पे होता है। तो इक्विलिब्रियम स्पीड हमारी वेटेड एवरेज स्पीड होती है, डिफरेंट स्पीड जितने भी हमारी ट्रेन्स चल रही हैं हाई स्पीड लो स्पीड उनके वेटेड एवरेज से हम जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रैक पे वो हमारा इक्विलिब्रियम स्पीड होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस एंड दी सेंट्रिपिटल फोर्सेस जो भी रिजल्टेंट हमारा डेवलप होकर हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करके जो हमें सुपर एलिवेशन मिलता है वो होता है वी स्क्वायर बाई 127 आर। तो जहां आर जो है हमारा मीटर्स में है और वी हमारा केएमपीएच में है और ई जो वैल्यू है वो हमारी मीटर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में चाहते हैं, तो हम इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं 1.27 आर। और अगर फिर हम इसको कन्वर्ट करें तो यू विल गेट 1.676 हमने जीवी, यहां पे गेज मैंने मिस कर दिया जीवी, तो जो जी है यहां पर हमारा 1.676 होगा ब्रॉड गेज के लिए। तो ब्रॉड गेज के लिए आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे या मीटर्स में, गेज की वैल्यू मीटर में रखना है यहां पे ध्यान रखना इस इक्वेशन में। तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट 1.315 वी स्क्वायर बाई आर यहां पे सेंटीमीटर्स में आएगा और वी हमारा केएमपीएच में, आर हमारा मीटर्स में। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, ये हमारी
इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस से निकली है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 GV² / 127 R होगा, बिकॉज V kmph में, R मीटर्स में, तो जो सुपर एलिवेशन मिलेगा हमारा मीटर्स में होगा और गेज भी हमारा यहाँ पे मीटर्स में है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक टर्नआउट दिखाया हुआ है कि अगर आप टो ऑफ स्विच पे खड़े हो जाओ और क्रॉसिंग की तरफ देखो तो ये हमारा एक फेसिंग डायरेक्शन होगा, तो ये हमारा एक राइट हैंड टर्नआउट है कि बिकॉज हम राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं फेसिंग डायरेक्शन से। तो जो स्विच एंगल होता है यहाँ पे, स्विच का मतलब ये होता है कि एक टक, ये हमारी स्टॉक रेल है जो हमारी टेपर्ड नहीं है, और ये हमारी जो रेल है ये हमारी टेपर्ड रेल है, तो ये जो टंग, इसको हम टंग रेल कहते हैं, तो इसका मतलब दो स्टॉक रेल और दो टंग रेल होती हैं, तो एक असेंबली को, वन स्टॉक रेल और वन टंग रेल को हम एक स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्विच एंगल होता है, ये एंगल होता है कि जो हमारी टंग रेल है, ये हमारी स्टॉक रेल है, ये हमारी टंग रेल है जो कि हमारी टेपर्ड होती है, यहां देख रहे हैं आप, ये टेपर्ड होते होते फुल हेड विड्थ गेन कर लेती है, तो जो हमारा रनिंग फेसेस के बीच में, ये हमारे दोनों रनिंग फेसेस हैं, रनिंग फेसेस मतलब जहां पर हमारा व्हील का फ्लैंज चल रहा है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड स्विच एंट्री एंगल। और जो स्विच एंट्री एंगल होता है, अगर हम, ये डिपेंड करता है, इसके बारे में नीचे बात कर लूंगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, इसको स्विच डाइवर्जेंस एंगल भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कि गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, जो हमारा अंदर साइड का फेस है दोनों का, वो हमारा गेज फेस होता है, और बाहर साइड का हमारा नॉन गेज फेस, आउटसाइड फेस होता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्विच एंगल किस पर डिपेंड करता है, तो मैंने बात किया था स्विच एंगल के लिए जो हमारा हील डाइवर्जेंस होता है, हील डाइवर्जेंस जहां पर हमारी है जो टंग रेल है, दिस इज द टंग रेल, दिस इज द टंग रेल, तो यहां पर ये हील ब्लॉक प्रोवाइडेड है। हील ब्लॉक क्या करता है, ये क्लियर गैप मेंटेन करके रखता है इन दोनों के बीच में, कि हमारा व्हील जो है इसके बीच से आराम से निकल जाए जब हमारा जिस भी डायरेक्शन में हमारा पाथ सेट होगा। तो जो ये हील ब्लॉक है, ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन से जो टंग रेल की लेंथ है, ये लेंथ जो है टंग रेल की, जो कि टेपर्ड लेंथ है, इस पर डिपेंड करेगा, और हमारा स्विच एंगल जो होगा वो हमारा ये पोर्शन होगा, गेज फेस और दोनों का गेज फेस। तो जो हमारा अल्फा की वैल्यू होगी, अगर ये मान लें कि यहाँ पे थिकनेस जीरो है, तो हमारा सीधे सीधे ये लेंथ साइन अल्फा जो होगा परपेंडिकुलर यानी हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द टंग रेल। बट अगर इसकी मान लें कि सफिशियंट एक कुछ थिकनेस है, तो हमें जो साइन अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो हमारी डी बाई डी माइनस टी डिवाइडेड बाई एल, जो कि एक्चुअल लेंथ ऑफ दी थ्रेड, एक्चुअल लेंथ हमारी जो भी टंग रेल की होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा वो टो ऑफ दी स्विच होगा। तो जो हील डाइवर्जेंस होता है, ये हमारा डिफरेंट गेज सेक्शंस के लिए, डिफरेंट रेल सेक्शंस के अलग होता है, ये हमारा ये क्लियर गैप होता है बिटवीन द रनिंग फेसेस, ये भी हमारा रनिंग फेसेस यानी गेज फेसेस के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक रेल है और ये हमारी टंग रेल है, तो जो ये पोर्शन है यहां से यहां तक, ये भी ये गेज फेस है और ये हमारा गेज फेस, तो ये डिस्टेंस जो होगी हील डाइवर्जेंस होगी, जो कि इंडियन रेलवेज में 13.3 सेंटीमीटर से 13.7 सेंटीमीटर तक वेरी करती है फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। ये कैसे आई है मैं फर्दर वीडियोस में बता दूंगा आपको। तो 1 in 8.5, 1 in 12 टर्नआउट के लिए जो स्विच एंट्री एंगल है वो 47 मिनट 27.5 मिनट है 1 in 12 के लिए। तो जितना स्विच एंगल जो होगा, ये स्पीड का फंक्शन होता है, तो जितनी ज्यादा स्पीड हमें रखनी है, हमें स्विच एंगल वो उतनी कम रखनी पड़ेगी। तो एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड ज्यादा होगी तो स्विच एंट्री एंगल हमें कम मिलेगा। तो हमारा जो 1 in 12 का टर्नआउट है, इस पे हमारा स्पीड पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो हमारा जो स्विच एंट्री एंगल है, इसे हम एसई से लिख सकते हैं, वो हमारा कम होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच, थ्रो ऑफ स्विच का मतलब ये है कि ये अगर हमारा टर्नआउट मैंने यहां दिखाया हुआ, ये टंग रेल है दोनों, और ये हमारा असेंबली जो है ये स्विच की असेंबली, एक टंग रेल, एक स्विच, एक हमारी टंग रेल और एक स्टॉक रेल। तो ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हमारी टंग रेल मूव कर रही है, जब जिस भी डायरेक्शन में हमें अपना पाथ सेट करना है। तो जो मैक्सिमम इंडियन रेलवेज के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें ये ओपनिंग जो है हमारी, कि कितना गैप हमारी मूव करेगी, कितना गैप हमको मेंटेन करना है हमेशा, ठीक है, बिटवीन द टंग रेल एंड द स्टॉक रेल, जो ये हमारा इनर गैप है, दिस इज द थ्रो ऑफ स्विच, मतलब गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड नॉन गेज फेस, अंदर साइड का इनर फेस ऑफ यानी
नॉन गेज फेस ऑफ द टंग रेल. तो ये वैल्यू जो हमें डिजायर्ड है वो 150 mm है, बट ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, यहाँ पे 115 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट अभी इंडियन रेलवेज में हमारे स्विचेस ज्यादा हाई स्पीड रेल के लिए, हमारे हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए 165 mm तक ये पॉसिबल हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 115 mm पहले होती थी, बट अभी जो हाई स्पीड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 165 तक हमारे पास असेंबली ऐसी है कि इतना गैप प्रोवाइड कर सके, बिकॉज हाई स्पीड में हमें ज़्यादा गैप की रिक्वायरमेंट होती है. तो करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेचर बार क्या होता है. स्ट्रेचर बार यहाँ पे जो येलो कलर से दिखे हुए हैं ये हमारे स्ट्रेचर बार हैं. तो 1 in 12 8.5 टर्नआउट में हमारे 1+2 स्ट्रेचर बार होते हैं, और 1 in 12 में हमारे 1+3 स्ट्रेचर बार होते हैं. 1 जो हमारा होता है लीडिंग स्ट्रेचर बार होता है, और ये हमारे फॉलोइंग स्ट्रेचर बार होंगे. तो ये मान लेते हैं हमारा, ये हमारा 1 in 8.5 का टर्नआउट दिखाया हुआ है, इसमें एक ये एक स्ट्रेचर बार ये दिख रहा है, एक ये. तो ये पहला स्ट्रेचर बार फेसिंग डायरेक्शन से आप देखोगे तो फर्स्ट को हम लीडिंग स्ट्रेचर बार बोलेंगे, ये हमारे फॉलोइंग स्ट्रेचर बार है. तो ये 1+2 की असेंबली मतलब 3 स्ट्रेचर बार होंगे 1 in 8.5 टर्नआउट में. इनका पर्पस ये होता है कि ये एक साथ इंश्योर करते हैं कि जो टंग रेल जिस भी डायरेक्शन में हमें ट्रेन को ले जाना है उस डायरेक्शन में हम अपना टर्नआउट को सेट करेंगे. तो इस तरह सेट करना है कि ये हमारे जो टंग रेल हैं ये साइमल्टेनियसली मूवमेंट करें, और साइमल्टेनियसली मूवमेंट में ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा गैप है वो हमारा हमेशा कॉन्स्टेंट रहे किसी भी डायरेक्शन में सेट हो. तो हमारा टू मेंटेन द टू टंग रेल्स एट द एग्जैक्ट डिस्टेंस को करने के लिए हम स्ट्रेचर बार प्रोवाइड करते हैं अपने टर्नआउट्स में. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज इन इंडिया. तो यहां पे मैंने एक क्रॉसिंग की असेंबली दी हुई है, दिखाई हुई है. तो इसमें ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, और अगर इस पे हम इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे इसकी जो पॉइंटेड रेल होती है ये हमारी अराउंड 6 mm थिक होती है इंडियन रेलवेज में. तो ये पॉइंटेड एंड जो है अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इमेजिनरी पॉइंट जो मिलेगा वो हमारा थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग होगा. तो यहाँ पर जो ये सब दिख रहा है पॉइंटेड रेल जो हमारी है ये हमारी थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और ये जो एज दिख रही है ये एज हमारी ये वाली एज है जो कि हमारी रनिंग फेसेज हैं, मतलब गेज फेसेज हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना है. तो इंडियन रेलवेज में जो मेथड यूज होता है वो होता है राइट एंगल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, और ये हमारा यूएसए यूके में यूज होता है. और जो हमारा आइसोसेलस मेथड है ये हमारे लेआउट्स ऑफ ट्रैमवेज में यूज होता है. तो इंडियन रेलवेज में राइट एंगल मेथड, जिसे हम कोल्स मेथड भी कहते हैं वहां, तो वो यूज करते हैं. अब तीनों मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा पहला मेथड मैंने यहां दिखाया हुआ है ये हमारा, इसमें जो एन है इसको हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ क्रॉसिंग. तो दो चीजें होती हैं कि ये जो लेग्स हैं ये दोनों के बीच में इसको कहते हैं स्प्रेड कहते हैं, कितना सेपरेशन है दोनों के गेज फेस में. तो इसके स्प्रेड में और जो हमारा एन की वैल्यू है जिसे हम नंबर ऑफ क्रॉसिंग बोल रहे हैं, इनके टर्म्स में हम अपने क्रॉसिंग को डेजिग्नेट करते हैं. और जो हमारा एंगल होता है, ये एंगल जो बनता है आउटर टू आउटर यानी गेज फेस, ये हमारा अल्फा एंगल होता है जिसे हम क्रॉसिंग एंगल बोलते हैं. ये हमारी एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होती है बिकॉज ये अल्फा हमारा जो होता है लेस देन 90 डिग्री होती है, तो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग कहलाती है. ठीक है, तो जो इंडियन रेलवेज में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कास्ट मैंगनीज स्टील की क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं जिसे सीएमएस क्रॉसिंग भी बोलते हैं. तो अगर हम पहला मेथड देख लें तो ये हमारा जो मेथड है ये सेंटर लाइन मेथड है. सेंटर लाइन मेथड में क्या करेंगे हम कि जो हमारा एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू हमारा इस सेंटर के अलोंग मेजर करी, जो बाइसेक्टर है इस एंगल का जो कि यहाँ पे एन दिया है, उस लेंथ में हमारा जो सेपरेशन हो रहा है लेग्स का वो 1 यूनिट हो रहा है. तो हम अब ज्योमेट्री से टेन अल्फा बाई 2 होगा, तो इस ट्राइंगल में देखेंगे तो टेन अल्फा बाई 2 के हिसाब से जो हमारा एंगल ऑफ नंबर ऑफ क्रॉसिंग होगा वो हम 1/2 cot alpha/2 लिख सकते हैं, जो कि हमारा सेंटर लाइन मेथड होगा. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है, ये हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल मेथड है. इस मेथड में क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एन की वैल्यू है ये दैट इज मेजर्ड अलोंग दी साइड्स, ये जो हमारी साइड्स हैं ये हमारी एन के अलोंग मेजर की जा रही हैं, और जो हमारा सेपरेशन हो रहा है दोनों लेग्स के बीच में एन लेंथ पे वो हमारा 1 यूनिट है. तो अब आप लगाओगे तो एन इज इक्वल टू 1/cosec alpha/2 आ जाएगा. और जो हमारा राइट एंगल मेथड है जो कि इंडियन रेलवेज में हम यूज करते हैं, इस केस में हमारा जो एन की वैल्यू है वो एक राइट ट्राइंगल का बेस है जिसमें अल्फा जो एंगल ऑफ क्रॉसिंग है और 1 यूनिट
का सेपरेशन है, तब आप लगाओगे तो n इज इक्वल टू कॉट अल्फा होगा। और ये तीनों मेथड जो है हमारे, ये तीनों मेथड में से जो राइट एंगल मेथड इंडियन रेलवेज में यूज करेंगे, और यहां पॉइंट जो है वो थ्रोटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। तो जैसे जो इंडियन रेलवेज में हम लिखते हैं 1:8.5 टर्न आउट है, 1:12 टर्न आउट है, तो जो हमारा इसका मतलब है, यही मतलब है कि 1 यूनिट सेपरेशन है लेग्स के बीच में, और 8.5 यानी 8.5 यूनिट्स जो है वो लेंथ है, जिसे हम नंबर ऑफ क्रॉसिंग बोल रहे हैं। तो जो अगर हम पूछे कि इसका एंगल ऑफ क्रॉसिंग कितना है, तो आप सीधे सीधे राइट एंगल मेथड से, इस केस में राइट एंगल मेथड ही यूज करना है आपको, और कोई मेथड नहीं यूज करना है जब आपको पूछेगा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो n इज इक्वल टू जो होगा वो कॉट इनवर्स n होगा, तो n की वैल्यू आप 8.5 या 12 यूनिट सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट दी एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा अल्फा एंगल ऑफ क्रॉसिंग है और हमारा नंबर ऑफ क्रॉसिंग एन है अकॉर्डिंग टू राइट एंगल मेथड यानी कोल्स मेथड, तो इस मेथड में हमने जो जैसे ऊपर डिस्कस किया, तो एन इज इक्वल टू कॉट अल्फा होता है, तो और स्प्रेडिंग हमारी जो लेग्स के बीच है 1 यूनिट। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ये फेसेस हैं हमेशा गेज फेसेस माने जाते हैं, ना कि अंदर वाले फेसेस माने जाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा, सी होगा सॉरी, तो करेक्ट आंसर इज सी हियर। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह के फर्दर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।